नमस्कार, पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ के रामला मैदान टकाना में वंचित राज्य आंदोलनकारियों का धरना आज सोमवार को आठवें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने उनकी सुध न लिए जाने पर अनदेखी के आरोप सरकार पर लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने चिन्हीकरण मानकों में बदलाव कर वंचित राज्य आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने की दशा में धरने के साथ उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धरने पर आज भगवती पुनेठा, सुभाष तिवारी, पवन पाटनी, दिनेश जोशी, भगवान पंत, हरि बिष्ट, शेखरानंद जोशी, सुरेश कसन्याल, दीवान सिंह बिष्ट, शंकर भट्ट सहित दर्जनों वंचित राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे। आज हमें 8 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी सुध नहीं लिए, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकार के हो, किसी ने भी अभी तक हमारी बात को सुनने का वो नहीं किया। हम रोज ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जाते हैं। और अगली बात, एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा ये आंदोलन सिर्फ एक सूत्री मांग को लेकर चला है कि राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण के समय सन 2014 में जो GO लागू हुआ था कि अखबार की कटिंग और 2 चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों द्वारा संस्तुति दिए जाने पर आंदोलनकारी घोषित किया गया है। पिथौरागढ़ के रामला मैदान टकाना में 5 सूत्री मांग को लेकर स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मियों की भूख हड़ताल आज सोमवार को भी जारी रही। अनशनकारियों ने मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मी पुनः नियुक्ति सहित 5 सूत्री मांग बीते लंबे समय से करते आ रहे हैं। अनशन के दौरान कर्मियों ने कहा कि उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने मांग पूरी न होने तक अनशन जारी रखने की बात कही है। आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वित्तीय वर्ष मार्च 2022 तक का सभी जितने भी आउटसोर्स हेल्थ वर्कर्स हैं उन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, चयनी की जाएगी। लेकिन आज 18 दिन बीतने के बाद भी हमारा कोई सुनने में राजी नहीं है, ना ही हमारे बारे में कोई चला आगे बात की जा रही है, अभी भी कोई आदेश नहीं आया। इसीलिए दीपा राणा और टिकर नायक दोनों भूख हड़ताल में 3 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार आमरण अंचल में बैठे हुए हैं, रात दिन यहीं पर बैठे हुए हैं। ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को दोबारा से नियुक्ति दी जाए। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। पिथौरागढ़ के सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों ने नौकरी बहाली किए जाने की मांग को लेकर यहां कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे बीते एक माह से दर दर भटक रहे हैं, जिस कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, सरोज थरकोटी, भूपेश पांडे, जगदीश भट्ट, प्रमोद कुमार, भगवान राम सहित दर्जनों कर्मी मौजूद थे। इधर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रिसेंद्र महर ने भी दैनिक वेतन भुगी कर्मियों की मांग को जायज बताते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एनपीएससीआई में कार्यरत थे, पिछले 22 तारीख को हमें निकाल दिया गया था, तब से हम अपना यह संघर्ष जारी रख रहे हैं और हमारी नौकरी बहाल नहीं गई है। एक माह से हमें कभी डीएम आवाज घुमाया जा रहा है, कभी कहीं घुमाया जा रहा है। हमारे द्वारा सीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया गया है, जिसकी हमारे पास पुष्टि है। माननीय विधायक जी के लेटर में हमारा लेटर सीएम साहब को गया था, पर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे संगठन में दैनिक वेतन भोगी में 2 माताएं बहने हमारी विधवाएं हैं, जिनका पूरा घर का पालन पोषण इसी तनख्वाह से चलता था। एक माह से उनका परिवार का पालन पोषण करना तक दूभर हो गया। हम जितने भाई, समस्त भाई हैं दैनिक वेतन भोगी के, आज हम सड़क पर उतरे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे पास आज कोई नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, और हम सभी अपनी शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण रखते हैं। कोई हम में से एमलिब है, कोई हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए व पिथौरागढ़ समाचार ग्रुप व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।